हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस देखिए, शहनाज की एक क्यूट सी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ शहनाज और आदित बैठे हैं। जी हाँ, शहनाज जो है वो डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी, वहीं का ये वीडियो है। कोरियोग्राफर हैं थापा, उन्हीं से एक फैन ने क्वेश्चन किया था। उन्होंने कहा, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्यूट एंड यूनिक शहनाज। तो उन्होंने पूछा एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने लिखा भी साथ में और ये वीडियो भी पोस्ट किया है। शी इज लवली एंड क्यूटेस्ट ऑफ ऑल, आल्सो आई अप्रिशिएट को शी इज रियली वर्क हार्ड एट द रेट शहनाज गिल, कि सच में वो बहुत मेहनत करती हैं। देखिए, क्यूट तो है ही हैं, क्यूट हैं, लवली हैं, लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो देखिए, सभी शहनाज की तारीफ करते सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्यूट हैं, वही वाली बात, क्यूट है या बहुत फेमस है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और देखिए, आदित भी उनके साथ में बैठे हैं। ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा देखकर कि आदित जो है ना, वो शहनाज के साथ हमेशा रहते हैं। सच में सिद्धार्थ ने शहनाज को एक ऐसी फैमिली दी है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है, जिनके साथ रह सकती है, जिनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकती है। इस इंडस्ट्री में गाइज टिकना इतना आसान नहीं है, भले ही कोई कितना पॉपुलर है, कितनी ही स्ट्रॉन्ग टीम कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ लोगों को गिराने के लिए बहुत तरकीबें लगाई जाती हैं, खासकर आउटसाइडर्स के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे जो शहनाज हैं उनके लिए टीम तो है ही है, लेकिन देखिए आदित जैसे लोग भी हैं जो उनकी फैमिली है। मान लीजिए वो कहीं भी ऑडिशन के लिए जा रही हैं, या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे मीटिंग के लिए जा रही हैं, तो गाइज़ इतना आसान नहीं होता है। आजकल आप सुनते रहते हैं मीटिंग्स वगैरह में भी जाना, सब कुछ करना। तो शहनाज के साथ जो ये लोग हैं, उनके भले ही मैनेजर हों, आदित हों, हमेशा साथ रहते हैं। तो जो बाकी लोग हैं उन्हें भी पता है कि शहनाज अकेली नहीं है यहाँ, उनके साथ उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ऐसे होता है ना कि जहाँ पता होता है कि इसका भी साथ देने वाले हैं। स्पेशली गाइज, लोगों को कोई भी हायर कर सकता है, लेकिन अपने लोग जिन पे विश्वास किया जा सके वो मिलना मुश्किल है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइज़।